हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका जो है टेक्स्ट बुक में 7 चैप्टर। ठीक, चैप्टर 7 नेम है आपका साउंड। ठीक, कोई नई चीज़ नहीं है, आप इससे फैमिलियर हैं। क्लास 8 से आप साउंड पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा, क्लास 10th में भी आपका साइंड है, साइंड साउंड है, लेकिन कुछ इन्हेंस्ड वर्जन ऑफ साउंड आप इसमें पढ़ेंगे। तो कुछ जनरल बातें पहले कर लेते हैं कि साउंड होती क्या है, आपको जो जो चीज़ें पता है, जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं पता, उसका पहले रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो साउंड पहले तो बात करते हैं, साउंड है क्या। साउंड आपकी एक तरह की एनर्जी है विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिसकी वजह से आप किसी चीज़ की आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक, तो बात आती है कि प्रोड्यूस कैसे होती है। प्रोड्यूस होती है आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी से। ठीक, वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक, वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब जिसके अंदर मोशन हो। मोशन मतलब अपनी मेन पोजीशन से अप जा रहा हो, डाउन जा रहा हो, मतलब क्या कर रहा हो, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो अपनी मेन पोजीशन के अलावा। ठीक है, प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन अ मीडियम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ठीक, इसको आप याद रखेंगे, मीडियम। ठीक है, साउंड की जहां पे भी बात आएगी वहां पे मेन रोल कौन प्ले करेगा, आपका मीडियम, क्योंकि ट्रेवलिंग के लिए साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। लाइट की तरह नहीं कि बिना वैक्यूम के भी ट्रेवल हो जाए। ठीक, यही चीज डिफर करती है साउंड को लाइट से। ठीक, लगभग कुछ और सिमिलर चीजें हैं जो दोनों में सेम होती, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, मीडियम। ठीक, अब बात करते हैं कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है। ठीक, ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, कि जिसकी सर्टेन स्पीड होती है, ठीक है, सर्टेन स्पीड, ठीक है, सर्टेन स्पीड होगी, लेकिन स्पीड भी किस पे डिपेंड करेगी, आपकी इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम पे। ठीक है, तो ट्रैवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव विद सर्टेन स्पीड, उसकी कुछ स्पीड तो होगी अगर ट्रैवल कर रही है तो। ठीक है, स्पीड होगी, लेकिन वो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही होगी, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे, कि मीडियम कितना डेंस है ये पता होना चाहिए, और इलास्टिक मतलब कितनी उसमें मोशन में कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है या प्लास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम हर तरह की साउंड को सुन नहीं सकते, तो हमारी रेंज क्या है, मतलब ऑडिबल रेंज की बात करते हैं। तो ऑडिबल रेंज आपकी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये आपकी ऑडिबल रेंज होगी। ठीक, ऑडिबल रेंज होगी। अब बिलो 20 हर्ट्ज क्या होता है आपका, और अबाउट 20,000 हर्ट्ज क्या होता है। ठीक है, अबाउट 20,000 हर्ट्ज आपका होता है अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड, और बिलो 20 हर्ट्ज आपका होता है इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है, ये तीन चीजें, बिलो क्या होता है, अबाउट क्या होता है, ऑडिबल रेंज क्या होती है। ठीक है, अब मैंने बात करी कि ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव्स हो गई, उसकी स्पीड हो गई, लेकिन वेव है तो उसकी वेवलेंथ भी तो होगी, जैसे कि आप लाइट के केस में देख रहे थे न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला बन रहा था। ठीक है, न्यू क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी, ठीक, सी क्या थी, स्पीड थी, लैम्डा क्या था, वेवलेंथ थी। अब फ्रीक्वेंसी यहां पे किस चीज से डिनोट होती है, एफ से। ठीक है, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, यहां पे स्पीड ऑफ साउंड आएगी वो किससे होगी, वी से।
तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनता है आपका, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब वी क्या है, ठीक है, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम, f इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T। T क्या है आपका, टाइम पीरियड, ठीक, नॉट टाइम, टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल t से, जो इंस्टेंटेनियस टाइम बताता है, जैसे आपके 4 बज गए तो 4 मतलब एट दैट इंस्टेंट ओनली, ये क्या है आपका टाइम है। लेकिन टाइम पीरियड क्या होती है, रेंज होती है कि किस टाइम पे आपका वर्क परफॉर्म हो रहा है, कितना टाइम उसको लग रहा है। मतलब आपको यहां से लखनऊ जाना है तो आपको 2 घंटे लग रहे हैं, तो ये आपका क्या है, टाइम पीरियड है। आप चाहे जिस टाइम पे निकले लेकिन आपको 2 घंटे लगेंगे, तो जितने बजे निकले और जितने बजे पहुंचे, ये आपकी क्या हो गई, टाइम पीरियड, यानी ये आपकी रेंज हो गई कि इतना टाइम आपको यहां से यहां पहुंचने में लगा। तो ये होता है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। अब ये चीजें क्या है, डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो आपकी पहले इसको रब कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, आपको फॉर्मूला मिल रहा था v इक्वल्स टू एफ लैम्डा का। तो ये v और f, v और लैम्डा क्या होता है, डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, मतलब इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, ठीक है, डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। और क्या है, आपको एक फॉर्मूला मिला था एफ इक्वल्स टू 1/T, 1/टाइम पीरियड। तो ये फ्रीक्वेंसी और टाइम किस पे डिपेंड करता है आपका, वाइब्रेटिंग सोर्स पे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वाइब्रेटिंग सोर्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वाइब्रेटिंग सोर्स। तो ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है कि इसको साउंड को तो ट्रैवल करने के लिए आपको मीडियम की जरूरत ही पड़ेगी, ठीक, मीडियम की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब बात करते हैं कि इन साउंड्स को एक और नाम दिया जाता है, ठीक है, ऑडिबल रेंज के साउंड्स को, ठीक है, ऑडिबल रेंज साउंड नोन एज इलास्टिक और मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स, इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स। अब ये मैकेनिक इलास्टिक तो पता चल गया, स्ट्रेचेबल, लेकिन मैकेनिकल वेव्स क्या है, तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कांस्टेंट स्पीड से एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मैकेनिकल वेव्स का क्या मतलब है, कांस्टेंट स्पीड से जो एनर्जी ट्रांसफर करे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वो क्या होंगी, मैकेनिकल वेव्स, ठीक। अब ये वेव्स होती हैं आपकी दो तरह की, ठीक है, दो तरह की वेव्स होती हैं, ठीक, कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल की बात कर लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल आपकी वो वेव्स होती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल आपकी वो वेव्स होती हैं जिनका पार्टिकल का मोशन जो होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होता है। मतलब अगर आपकी वेव इस तरफ ट्रांसफर कर रही है या फिर प्रोपागेट कर रही है, तो मोशन ऑफ द पार्टिकल इसी डायरेक्शन में होगा, ये आपकी होंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ठीक है, अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इनके पार्टिकल नॉर्मल डायरेक्शन में क्या करते हैं? मोशन करते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी दो तरह की, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में कौन कौन सी वेव आती है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में आपकी वेव आएंगी कौन सी? साउंड इन एयर। ठीक, और इसमें आएंगी आपकी साउंड इन सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, चलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की तरफ। क्योंकि वेव है, रिफ्लेक्शन होगा ही। ठीक, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वेव है, रिफ्लेक्शन होगा ही। तो रिफ्लेक्शन होगा तो क्या, ये भी क्या करते हैं, फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपने यहां से साउंड भेजी, टर्न होके आपके तरफ आएगी, जिसको एक और नाम देते हैं इको, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये होता है रिफ्लेक्शन। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपका रिफ्लेक्शन शो करेगा। बाकी रिफ्लेक्शन वही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे आपका। अगर वन मीडियम से अनदर मीडियम जाना है तो वो आपका रिफ्रैक्शन कहलाएगा, सेम मीडियम में लौट रही है तो आपका रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया। अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी है, तो डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, दोनों वेव है, दोनों की कुछ स्पीड है, दोनों प्रोपागेट कर रहे हैं एनर्जी, दोनों रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, दोनों में वही काम हो रहा है, तो अंतर क्या? तो लाइट और साउंड वेव में डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट। तो जो आपकी लाइट रे होती है वो क्या होती है, उनकी स्पीड कांस्टेंट होती है इन एयर एंड वैक्यूम, कितनी? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो आपकी साउंड होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, वेरी करती है फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। इन एयर की बात करें तो उसकी स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड आपकी एयर की स्पीड होती है, साउंड साउंड की एयर में स्पीड होती है। ठीक, और अगर बात करें तो आपका जो लाइट होती है वो क्या होती है, एनर्जी तो प्रोपागेट करती है, लेकिन इसी तरह अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंस आपकी बुक में दिए होंगे, लेकिन जो मेन डिफरेंस है आपका वो स्पीड का है। ठीक है, अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो ये भी आपको पता होगा कि वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी आपकी चेंज नहीं होती, और इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ आपकी चेंज हो जाती है, लेकिन इंटेंसिटी आपकी चेंज, जो आपकी वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी होती है वो चेंज होती है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। किसी जो भी आपकी लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जा रही है तो फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, तो ये कुछ जनरल बातें हैं आपको याद में रखनी है, और डिफरेंस देख लीजिएगा, आपकी बुक में टेबल दी हुई है। ठीक, अब आगे चलते हैं इकोस पे। इकोस, अब इकोस क्या होता है? ठीक, ये स्पेशल टाइप प्रॉपर्टी है साउंड की,
इसमें होता क्या है, अगर आप किसी वॉल से या किसी हिल साइड में अगर गए हो तो वहां पे आप अगर कुछ बोलते हैं तो वो आपको रिपीटेड आपके कान में सुनाई देता है। ठीक, बहुत सारे हिल एरियाज में ऐसा होता है, आपने पिक्चरों में देखा होगा। ठीक है, तो इकोस क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्स्टेकल या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने खड़े हुए कुछ बोलते हैं तो साउंड क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक आके आपको फिर से सुनाई देती है। इसी प्रॉपर्टीज को हम इको बोलते हैं। ठीक, यही प्रॉपर्टी होती है। लेकिन लेकिन क्या होता है, इसके लिए कंडीशन पहली कौन सी है, तो जो जनरल कंडीशन है, जो इको नहीं होता और जो इको होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए वो आपकी दूर होनी चाहिए, और आपकी जो इको वाली साउंड है वो आपकी ओरिजिनल साउंड से मिक्स नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको कुछ सेकेंड्स या 0.1 सेकेंड या 0.2 सेकेंड के बाद आपको इको वाली साउंड सुनाई देनी चाहिए, ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस करने के बाद, तब आप उसको इको बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। मतलब द रिफ्लेक्टिंग साउंड इफ हियर्ड अलोंग द ओरिजिनल साउंड, मतलब जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी के साथ इको सुनाई दे रहा है तो वो आपका इको नहीं कहलाएगा। ओरिजिनल साउंड और इको में कुछ सेकेंड्स का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए आपकी, आप खड़े हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आपकी डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, और ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस करने के 0.1 सेकेंड के बाद कभी भी आपको इको वाली साउंड सुनाई देती है तो वो आपकी इको कहलाएगी। ठीक, और तीसरी कंडीशन क्या है कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड अच्छी होनी चाहिए कि वो आपकी रिफ्लेक्ट बैक आके आपको सुनाई दे। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने भेज दी, इंटेंसिटी कम थी तो वो लौट के वापस नहीं आ पाई। ठीक है, अब बात करते हैं एक फॉर्मूले की, इसी पे इको के फॉर्मूले की, कि मान लीजिए आपकी डिस्टेंस डी है किससे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, और आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड वी है। ठीक है, तो आपका टाइम क्या होगा। ठीक है, तो वही स्पीड वाला फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपकी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की डिस्टेंस डी है, लेकिन साउंड कितना ट्रेवल कर रही है, एक बार जा रही है एक बार आ रही है, मतलब 2D डिवाइडेड बाई टोटल स्पीड मतलब वी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किस चीज का, टाइम का। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि कितनी डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए इको के लिए, तो आपको टी की वैल्यू मालूम है 0.1 सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर, हर जगह एयर मीडियम है तो एयर की वेलोसिटी ले लेते हैं कितनी, 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब आप डी के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब VT by 2, तो ये आपको मिलता है 17 meters। ठीक है, 17 meters, तो ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तभी आपको इको सुनाई क्लियरली देगा। ठीक, एक और चीज, अब ये 17 meter है, अगर 17 meter से कम होगी तो क्या होगा, 17 meter के ऊपर तो इको होगा, 17 meter के कम है तो क्या होगा, 17 मीटर से कम होती है तो आपकी एक प्रॉपर्टी आती है जिसे हम बोलते हैं हाँ, 17 मीटर से कम है डिस्टेंस तो आपकी एक प्रॉपर्टी आती है जिसे हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, रिवर्बरेशन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, 17 मीटर से डिस्टेंस कम है तो आपकी ओरिजिनल साउंड के साथ आपको इको भी सुनाई देती है बहुत टाइम तक। ठीक है, थोड़े टाइम तक आपको दोनों आवाजें सुनाई देती रहती हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्बरेशन इफेक्ट। इसके लिए क्या कंडीशन है, 17 मीटर से डिस्टेंस कम होनी चाहिए। अगर इसका एग्जांपल आपको देखना है तो ताजमहल में आप जाके करके देख सकते हैं, वहां पे क्या है, डिस्टेंस होती है कम, जब आप वहां पे बोलते हैं तो रिफ्लेक्शन होके इको ओरिजिनल साउंड से मिक्स होता है और थोड़े टाइम के लिए आपको बार 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 सुनाई देता रहता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड होते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है इको का। अब बात करते हैं हमारे यूजेस की। ठीक है,
यूजेज ऑफ इको। यूजेज ऑफ इको, यूजेज ऑफ इको पहला है आपका जो आपके एनिमल्स यूज करते हैं, क्या यूजेज बाय बैट्स डॉल्फिन्स एंड फिशरमैन। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। पहले बैट्स, बैट्स क्या होते हैं आपके, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। अल्ट्रासोनिक की स्पीड बहुत हाई होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। ठीक, तो उनकी स्पीड हाई होती है जिससे वो प्रोड्यूस करते हैं और आगे भेजते हैं, लेकिन उनकी जो फ्लाइंग स्पीड होती है वो आपकी कम होती है। तो जब अल्ट्रासाउंड आगे कोई ऑब्स्टेकल होगा तो अल्ट्रासोनिक साउंड जाके रिवर्स बैक आके उनकी सुनाई देते हैं, जिससे वो अपने रास्ते के ऑब्स्टेकल्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो इस तरह इको बैट्स की मदद करता है। डॉल्फिन में भी यही केस होता है, जिससे वो अपने एनिमीज वगैरह या फिर फ्रेंड वगैरह को फाइंड आउट करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करके। फिशरमैन के केस में क्या होता है, फिशरमैन क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे फिश से वो टकरा के वापस आता है। ठीक, लेकिन उस केस में क्या होता है, वेलोसिटी आपकी 1400 मीटर पर सेकेंड ली जाती है, जिससे टाइम पता चल जाता है कि कितने टाइम से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो टाइम का पता चल जाता है कितने टाइम में वो रिवर्स बैक आई, वो टाइम जिससे आप डिस्टेंस लगा लेते हैं कि कितनी दूर पे आपकी फिश है। ठीक है, तो इस तरह फिशरमैन के यूज होता है। 1400 इसलिए लेते हैं क्योंकि वाटर मीडियम होता है, और वाटर मीडियम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी इन कंपैरिजन टू एयर। ठीक, अब बात करते हैं सोनार की। फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है साउंड नेविगेशन। पहले क्या होता है, ये आपकी शिप हो गई, इसमें ट्रांसमीटर लगा रहता है, ये मान लीजिए ऑब्स्टेकल है, इन्होंने आपकी क्या भेजी, अल्ट्रासोनिक वेव भेजी। अल्ट्रासोनिक वेव भेजने के बाद क्या होगा, ये यहां से जाके टकराएगी और रिवर्स बैक आएगी। यहां पे आपका रिसीवर होता है और ये टाइम मेजर करते हैं कि कितने टाइम में ये रिवर्स बैक होके आई, तो टाइम पता चल जाएगा, तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले सकते हैं वही फॉर्मूले से, डी इक्वल्स टू बी टी बाई टू, वेलोसिटी आपको पता होगी, टाइम पता चल गया तो डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी कितनी दूर पे ऑब्स्टेकल है। इस तरह सोनार में यूज किया जाता है। मेडिकल यूजर्स भी इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये आपके यूजर्स हो गए। तो बेसिकली क्या यूज होता है, इको जो होता है वो आपका मदद करता है अल्ट्रासोनिक साउंड की डिटेक्शन और रेंजिंग में। अल्ट्रासोनिक साउंड ही इसमें मेन रोल प्ले करता है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है विदाउट स्कैटर, तो जिससे इस जिसकी इसकी एप्लीकेशन जो इसकी एप्लीकेशन आपकी बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। तो यूजर आप कुछ डिटेल में बुक में पढ़ लीजिएगा, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए हैं। तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट फिनिश होती है साउंड की। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट। अगर कुछ टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, अगर वो टॉपिक लंबी होगा तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।